विकास खंड महाराजगंज, ग्राम सभा महरूलपुर। आइए हम सचिवालय पे ले चलते हैं, जो महरूलपुर का जो यह ग्राम सभा है, आप देख सकते हैं यह पंचायत भवन है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस गांव के जो प्रधान है। पहले तो हम आपको दिखाएंगे जो यह पंचायत भवन बना है, और यह ब्लॉक में ऐसा पंचायत भवन नहीं बना। आइए हम प्रधान जी से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। यह जो पंचायत भवन कब बना हुआ था? ये बना है हमारे हरशंकर चाचा के हाथ से, सामान्य के ही प्रधान थे, और लगभग 17-18 साल पहले का। जो भी डेंट पेंट हुआ, जो भी हुआ, और जो है के कार्यकाल में ही हुआ है। इस समय मैं उसको सारा सिस्टम इसका मैं बनाया हूँ, पेंटिंग से डेंटिंग से लेके ऑफिस से, और मेरे समझ में आ रहा है कि अब सही ढंग से हो गया। यहाँ पर देखा जा रहा है कि सारा सिस्टम ओके है, बना के नहीं जाना पड़ा। मैं सारा सिस्टम अपना फाइनल ओके किया हूँ सर। यहाँ पे अभी डेली यहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं जी? ओके। ये आपके मन में कब से ये विचार आया है? ये जब आदेश आया कि हर पंचायत भवन पे कंप्यूटर रखे जाएंगे और प्रधान लोगों के लिए प्रधान सहायता चुना जाएगा, तब से हमारा विचार आया कि जब हमें यहीं बैठना है तो हम इसको सुरक्षित और सुसज्जित अच्छे व्यवस्था से बनवाएं। अभी कोई अधिकारी कर्मचारी हमारे पास आए तो देखे तो बोले कि हाँ ठीक है। ये पहले से विचार बना हुआ था? पहले से विचार था मेरा। चलिए हम गांव के विकास के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जी। आपके ग्राम सभा में जो है अमृत सरोवर का क्या कंडीशन है? अमृत सरोवर सर मेरे यहाँ मैंने दिया था तो जमीनें कम पड़ गई। शौचालय के क्या पोजीशन है? शौचालय सर एक नंबर हमारा पोजीशन है। आपके कार्यकाल में कितना रोड, कितना नालिया, कितना इंटरनेट का काम किया गया है? अब तो सर रजिस्टर उठाएंगे तब बताएंगे, दो चार रहता तो बता ही देते। ज्यादा से ज्यादा काम किया हूँ, यहाँ तक काम किया हूँ जो 60 साल पहले प्रधान लोगों ने नहीं कर पाया वो काम किया हूँ। आगे आपका लक्ष्य क्या है? आगे लक्ष्य सर अपने गांव के विकास के लिए उम्मीद रखा हूँ कि अभी लड़ाई लड़ूंगा। आप राजनीति कब से आए? राजनीति में मैं आया हूँ सर लगभग 2010 से।